पकड़ी जाओ या मैं, बात तो एक ही है, वी नीड समवन एल्स, वी नीड प्रोफेशनल। यू हैव एन आइडिया? बेट यू। जीविका, मुझे तो लगा था गुरुजी से मिलने के बाद तुम्हारे माथे पर तेज होगा, चेहरे पर चमक होगी, पर ये क्या, तुम्हारी तो हवाइयां उड़ी हुई है। ऐसा भी क्या कह दिया गुरुजी ने? अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे कुछ भी बताने के लिए मना किया हो तो आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। नहीं वहनी, ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी तो मुझे बस आगे आने वाली चुनौतियों के लिए आगाह कर रहे थे, भविष्य के लिए सचेत कर रहे थे। भविष्य के लिए? कौन सा भविष्य, किसका भविष्य? जिसको खुद का भविष्य ना पता हो वो दूसरों के भविष्य के बारे में क्या बोल सकते हैं? उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि कल उन्हें दाल रोटी कौन से घर से मिलेगी, और तुम ये सारी बात सीरियसली ले रहे हो? सीरियसली जीविका? क्या हुआ, तुम इतनी शॉक्ड क्यों लग रही हो? ये कि ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिना मिस्टर मित्तल की शर्त सुने बगैर आपने क्यों मना कर दिया? सात्विक, मुझे लगा मिस्टर मित्तल प्राइस नेगोशिएट करना चाहते थे, जो ना मैं चाहती हूँ और ना ही तुम। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता भाभी, एंड यू आर राइट कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम रखते हैं, बट जीविका का ये पहला प्रोफेशनल काम है, एंड शी डिजर्व्स दिस चांस। फिर चाहे मैं लॉस ही क्यों ना हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट तो हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, भले इस पूरे कैंपेन से हम सिर्फ एक रुपए ही क्यों ना कमाएं, बट वी विल डू इट, वी शुड डू इट। या सात्विक, एक रुपया तो मैं बचपन में भी किसी रिश्तेदार से नहीं लेती थी, और फिर ये मित्तल तो मेरा कुछ लगता भी नहीं। एनीवेज, ये जो तुम आजकल मुझसे सवाल जवाब करने लगे हो ना, आई एम नॉट लाइकिंग इट, और इतिहास गवाह है राजनंदिनी को जो नापसंद होता है उसका बहुत जल्द ही अंत होता है। जीजू आप कुछ खा नहीं रहे? अरे खाइए ना, लीजिए ना सबसे पड़ी है प्लेट, लीजिए लीजिए जल्दी खाइए, आप लोगों को बहुत देर हो रही थी ना, निकलना भी तो है। अरे रेड सिग्नल, ऐसे ग्रीन सिग्नल क्यों हुई अचानक से? और कुछ देर पहले तक तो तुम हमें रोक रही थी ना, और अब ऐसे भगा रही हो? रहिए आप, यहीं पे रहिए, इनफैक्ट बस जाइए। ठीक। लेकिन परमानेंटली रहने के लिए ना आपको सामान लाना पड़ेगा, और सामान लाने के लिए आपको घर जाना पड़ेगा, तो जल्दी खाइए और जाइए। जी रही हो तुम। ओके देन, ठीक है, चलो भाई। जीजू एक मिनट, पुल अप कर, जिस काम के लिए मैं तो भी देना भूल गई। जीजू एक मिनट, हाँ एक सेकंड। ये चल क्या रहा है? मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। मतलब कुछ भी नहीं पता है तुम्हें? ये लीजिए। ये क्या है? ये कोई ऐसा वैसा जूस नहीं है जो एक सास ने खास अपने जमाई राजा के लिए बनाई है। आई ने बनाया है? मेरे लिए? ये सिर्फ उसके लिए है जिसके लिए बनाया गया है। क्या कर रही हो जीविका तुम ये? क्यों क्यों पूछा आपने मुझसे मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं इतना बुरा फ्लर्ट कर रही हूँ, इतना बुरा फ्लर्ट कर रही हूँ कि आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा फोन कहाँ है? फोन है? फोन भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया, आता ही नहीं है। मैं इंटरनेट से देख के कुछ और सीखी। क्या? अच्छा छोड़। आप मुझे बताइए क्या करूं आपको इम्प्रेस करने के लिए, बताइए ना। क्या बताऊं तुमको मैं, क्या कर रही हो तुम? खैर, तुमने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया। तुमने ये शादी
शादी की सच्चाई जानकर की थी ना। इस सच्चाई से बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि सात्विक आपने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी भी नहीं। अब इस रूम की हालत देखिए, कोई कह नहीं सकता कि यहाँ चोरी नहीं हुई है, पर सात्विक का रूम जिसमें से हमें पेन ड्राइव लेनी है वो तो उस तरफ है और ये दोनों मियाँ बीवी उसी के आगे इश्क फरमा रहे हैं। अब हम क्या करें? लेकिन भाऊ ये काम तो करना ही पड़ेगा, चलो उनमें से निकल जाते हैं। अगर लेकिन उन्हें हमने देख लिया तो हम ऐसी सिचुएशन में वही करेंगे जो सबके साथ करते आ रहे हैं।